रहे हैं हम लोग सेंटर पर जा। यहाँ पर भी हमने चुपके से कैमरा ऑन कर रखा है। हे गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग का पेट का एग्जाम है, आज 14 तारीख है। तो हम इधर अनंत भाई और उधर दीप भाई, तीन लोग तैयार हो गए हैं और लखनऊ के लिए अब निकल रहे हैं हम लोग। सिर्फ मैंने 8 क्लास अटेंड किया है और 8 क्लास अटेंड करने के बाद हम लोग जा रहे हैं पेट का एग्जाम देने। अब देखो कैसा होता है। रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन दिखा दूंगा जितना नंबर आएगा। एडमिट कार्ड भी चेकिंग हो रहा है। काफी टाइम प्रतीक्षा करने के बाद ये बस आ रही है। तो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं गोंडा जाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग की बस इस ट्रेन को पास दे रही है, इसके जाने के बाद हम लोग की बस दोबारा से चलेगी। तो अब हम लोग गोंडा में एंट्री मार चुके हैं। यहाँ से हम लोग को जाना है गोंडा जंक्शन, जहाँ से हम लोग को ट्रेन मिलेगा लखनऊ के लिए। गोंडा जंक्शन पहुंच चुके हैं भाई हम लोग। देखिए ये है जनरात, इसी में गांधी जी बैठ कर यात्रा किया करते थे। तो गाइस पता है हम लोग का जो एग्ज़ाम है ना, फर्स्ट पॉली में एग्ज़ाम है, तो अभी इतना कुछ भीड़ है। कल के डेट में काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर देखना कितना भीड़ होने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग की ट्रेन आ गई है, अभी इसी पर बैठेंगे और चलते हैं लखनऊ, फिर मिलते हैं आपसे। गोरखधाम योगी बाबा जी स्पेशल चलवा रहे हैं, गोरखधाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन गोरखपुर से चली है और लखनऊ तक जाएगी। ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं इसमें, आराम से हम लोग को सीट मिल गया है, तीनों लोग आराम से बैठ गए हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं महादेव भाई के रूम पर, वहीं पर रुकेंगे, सुबह एग्जाम देंगे। तो गाइस मिलिए, ये महादेव भाई हैं, इन्हीं के रूम पर हम लोग रात भर सोए हैं अभी, और सुबह हो गया है, जल्दी से फ्रेश होकर अभी जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। हमारे विश्राम भाई का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दिल खोल के हमने भी किया है और आप भी करें। तो गाइस हम पूरा फ्रेश हो गए हैं, एडमिट कार्ड मिल गया है, महादेव भाई के साथ में है, अब जा रहे हैं हम लोग सेंटर पर जहाँ पर हम लोग को एग्जाम देना है। ये है लखनऊ का न्यू वर्ल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज, पेट एग्जाम के लिए इसी को मेरा सेंटर बनाया गया है। यहीं बगल में गर्मा गर्म चाय पकौड़े बन रहे हैं, जिनको हमने खा पी लिया है और अब लाइन में लग चुका हूँ। यहाँ पर भी हमने चुपके से कैमरा ऑन कर रखा है, दिखाते हैं ये सारा प्रोसेस अंदर कैसे होता है। अभी मेरा चेकिंग वगैरह तो हो चुका है, लेकिन फ़ोन जमा नहीं हुआ है, फ़ोन यहीं पर जमा होगा। देखिए यहाँ पर कई सारे लोग अपना फ़ोन जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक काला पॉलीथीन होता है जिसके अंदर हमारे फ़ोन को रख दिया जाता है और उस पर एक चिपक लगा दिया जाता है, एक चिपक हमें दे दिया जाता है। फिर वापस जब हम वही चिपक इन्हें दिखाएंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो वो हमारा फ़ोन वापस करेंगे। तो चलिए मैं भी अपना फ़ोन यही जमा कर देता हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली अपना एग्ज़ाम हो चुका है, 2 घंटे का एग्ज़ाम था जिसमें 100 क्वेश्चन करने थे और 1/4 माइनस मार्किंग था। ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हैं, इसी पॉलीथीन में मेरा फ़ोन पैक करके रखा गया था और एग्ज़ाम से निकलने के बाद हमने इसको रिसीव किया। अब चलिए फटाफट यहाँ से कोई टैक्सी पकड़ते हैं और पहुँचते हैं रूम पर, फिर बताते हैं पेपर कैसा हुआ है। काफ़ी वेट करने के बाद ये ऑटो मुझे मिला है और अब हम लोग फटाफट रूम पर पहुँचते हैं। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हे गाइस, तो मैं काफी मेहनत करके, एग्जाम वगैरह दे करके, काफी ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद रूम पर मैं आ चुका हूँ। ये है अपना सीट और इसको मैच करके मैं बताऊंगा मेरा स्कोर लगभग कितना जा रहा है। और मैंने 100 के 100 क्वेश्चन कर डाले हैं, कुछ उसमें जानबूझ के किया है, मतलब समझ के किया है, और कुछ उसमें मैंने मतलब दिमाग लगा करके तुक्का मारा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि मेरा कितना स्कोर हो, मतलब इसमें आएगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ा यार, मतलब बिल्कुल भी जगह कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, और ऑटो वाले अपनी मनमानी कर रहे थे। तो सब कुछ करने के बाद हो गया है पेपर आराम से, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया पेपर करके।
गाइस बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।